गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं इस वक्त मेलबर्न में हूँ, ऑस्ट्रेलिया। 12 घंटे की फ़्लाइट करके 24 घंटे से ज़्यादा हो गए मैं सोई नहीं हूँ। आई मीन मेरा कोई भी कलीग सोया नहीं होगा, बस 2-4 घंटे हम सोए हैं। और यहाँ पे सुबह के अभी बज रहे हैं 7, और इंडिया में बज रहे हैं रात के अराउंड 5.5 घंटे। पीछे आप चले जाइए तो उतने बज रहे होंगे। जेट लैग है, लेकिन फिर भी सिटी घूमना है, इसीलिए रेडी होके हम जा रहे हैं घूमने। हमने टैक्सी बुक की हुई है पहले, अब हम नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद टैक्सी हमें पिक करेगी और फिर हम घूमेंगे। तो पूरा दिन हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। और अभी पहले पहले कुछ खाने के लिए हम पैक कर लेते हैं, ताकि हमें भूख ना लगे, क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव है। मेरी कलीग स्लैश फ्रेंड निर्मी आ गई है। रुक, सिनेमैटिक था तो फोकस नहीं हो रहा था। हाय निर्मी। हाय ट्विंकल। तो हम जा रहे हैं आज घूमने। मैं इसको आज मोटिवेट करूँगी कि ये भी व्लॉग्स बनाए, क्योंकि ये बनाती है और ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है। पर मुझे लग रहा है कि ये एक इतना लौता जैकेट इनफ नहीं होगा, तो मैं अभी जा रही हूँ मेरा जो क्रू ओवरकोट है वो लेने। और मेरे साथ ही मेरी बैचमेट मिली और हम इसको चेंज करना है और मुझे जैकेट लेना है, तो हम वो फटाफट करके नीचे जाएंगे क्योंकि हमारी कैब रेडी है। एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू। मैं स्विमिंग सूट लेके आई। पूरे गैंग में सबसे ज्यादा आवाज इसके लिए आवाज आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं ATM, और ATM से पैसे निकालेंगे, क्योंकि भैया ये बहुत सारे कार्ड्स का पेमेंट एक साथ लेना चाहते हैं। तो हम जा रहे हैं अब ये छोटा सा पेट्रोल पंप है, कुछ तो स्टोर टाइप का है, वहाँ से पैसे निकालेंगे। लिया है हमने पैसा और अब मैंने सर का कार्ड लिया हुआ है। सजना दीवारी वारी जाऊंगी मैं, सजना दीवारी वारी जाऊंगी मैं, तभी तो मेरा सने सार है। फाइनली हम एक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, और मुझे उसका दिस इज लॉक, क्या है जगह का नाम, लोकार्ट जॉर्ज। लोकार्ट जॉर्ज। तो अब हम जा रहे हैं, वॉकिंग है थोड़ा सा, एंड देन हम बीच पे 30 मिनट्स देंगे और फिर हम जाएंगे दूसरी जगह। फिलहाल लड़कियों ने चेंज कर लिया है बीच वेयर पे, और अब हम जा रहे हैं फोटो खींचने। नहीं नहीं मत ले, आ जा। तो ये जो व्यू है, हम यही देखने आए थे बेसिकली। तो अब हम नीचे जाएंगे और उन दोनों पहाड़ों के बीच फोटो खींचेंगे। सो ये वॉकिंग एरिया है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही कंट्री साइड वाइब है, जो हॉलीवुड मूवीज़ में होता है, और जो अगर आप में से कोई हैना मॉन्टाना और माइली साइरस फैन होगा तो आपको पता होगा कि कंट्री साइड व्यू कैसा होता है या लाइफ कैसी होती है, सेम वैसा ही है। इतना खास नहीं आया।
घरेलू तो हमारा प्लान था नीचे जाने का और दोनों माउंटेन्स के बीच में फोटो लेने का, बट माउंटेन स्लाइड के वजह से एंट्री बंद की हुई है, तो हम बस ऊपर से ही मज़े ले रहे हैं व्यू का और फोटोज हमने ऊपर से ही ले लिए, बट नीचे जाने की बहुत बहुत ज़्यादा विश थी मेरी जो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट चलो बकेट लिस्ट टिक ऑफ कर दिया। बहुत ही प्यारा व्यू है। तो अब हमारी सवारी चल पड़ी 12 apostles। तो हम पहुंच चुके हैं 12 apostles और एंट्री यहाँ पे फ्री है, तो फिर अब हम अंदर जाएंगे। हम 12 apostles ही है ना। हाँ, हम पहुँच गए और सामने ही है हमारे, बहुत ही प्यारा व्यू है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री बैन है क्योंकि पता नहीं डेंजर समथिंग डेंजर माया माउंटेन स्लाइड की वजह से, बट बहुत अच्छा व्यू है, यू कैन सी दैट। गाइस, मैं आपको बहुत बहुत प्यारा व्यू दिखाती हूँ, जो अभी हम आगे आए तो हमने देखा और मुझे इतना पसंद आया, आपने भी देखा। वापस आ चुकी हूँ अपने होटल। मुझे एक्चुअली जाना था नेशनल पार्क जहाँ हम कोला बेयर्स और कांगरू को खिलाते हैं, फीड करते हैं और सारी चीज़ें थी, बट वो हमारे होटल से, हम ऑलरेडी 3.5 घंटा ट्रैवल कर चुके थे और 2 घंटा ट्रैवल, मतलब होटल से 5.5 घंटे का रास्ता हो जाता, तो आते टाइम काफ़ी लेट हो जाता और फिर सब फालतू में ही थक जाते हैं, मतलब ट्रैवलिंग में थक जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए इट वॉज ओनली खाली व्यू और देखने वाला ही था, तो वहाँ पे थकान नहीं हुई, बट हो जाती अगर वहाँ जाते तो, नेशनल पार्क जाते तो। सो अभी प्लान की ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, अभी और एक और दिन का लेवर है, एक्चुअली 1.5 दिन का लेवर और है, अभी बज रहे हैं कुछ 3:30-4, तो मैं चेंज करूँगी और विल वाइप दिस मेकअप ऑफ और हम सोएंगे अभी, और बस इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहना कि मेरा फर्स्ट मेलबर्न लेवर कैसा गया, क्योंकि मैं जब दिल्ली में थी तो मैंने सिडनी लेवर किया हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो उसका लेवर का ब्लॉग बना हुआ है, वो भी मेरा फर्स्ट एयर इंडिया में जब फर्स्ट फ्लाइंग स्टार्ट किया था मैंने, तो वो फर्स्ट इंटरनेशनल लेवर था, और अभी ये मेलबर्न स्टार्ट हुआ है बॉम्बे से, जो मैं इतनी खुश हुई कि फाइनली एक नया डेस्टिनेशन आया, वरना आपको तो पता है मैं सिर्फ लंदन दुबई यही कर रही थी। एंड या तो चलो जाते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। हम शायद शाम को कुछ खाने नीचे उतरेंगे और कल का भी पूरा दिन है, लेट्स सी हम क्या क्या करते हैं। बाय, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी मेलबर्न में हो रहे हैं 10:00 और फिर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है पास में एक मॉल है, DFO मॉल, और हमारे होटल के बिल्कुल ही पास ना, दिस इज़ वॉट कॉल्ड आई गेस साउथ गेट पेडेस्ट्रियन वॉक। सो दिस एरिया इज़ बेसिकली कॉल्ड डॉकलैंड्स और साउथ गेट। तो यहाँ के पेडेस्ट्रियन वॉक के ब्रिज पे जो सलाम नमस्ते की शूटिंग आपको, जिन जिन को पता होगा, मेलबर्न में ही हुई थी,
तो वहाँ पे माय दिल को ये वाला जो सॉन्ग है वहाँ पे सैफ का जो बिट था वो शूट हुआ था. तो वी आर गोना वॉक दैट पेडेस्ट्रियन वॉक और शायद एक दो वीडियो भी मैं शायद बना लूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना और देख लेना. एंड या सो चलो फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं. तो मैं रेडी हूँ और वेट कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड जब आएगी तो वो नॉक करेगी और उसके बाद हम निकलेंगे DFO मॉल की तरफ और वो जो ब्रिज है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी. राइट साइड टेक नंबर आई एम गोना राइट इट आउट एंड गो 109 इधर तो अभी हम पूछ रहे हैं कि रास्ता कैसे जाना है. एक्चुअली हमें दो मॉल जाना है, एक विक्टोरिया मॉल और एक DFO. तो DFO तो काफ़ी पास में है तो हम कभी भी चले जाएंगे. फिलहाल हम जा रहे हैं अभी विक्टोरिया, तो ट्रैम से जाना होगा और फिर मैं आपको. पहुंच गए हैं विक्टोरिया मार्केट और ये एनी लोकल मार्केट जैसा होता है वैसा है. तो मैं आपको दिखा, जैसे सरोजनी है वैसे ये वैसे ही टाइप का है, बस ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है. और ट्विंकल को अपने बच्चे मिल गए यहाँ पे. मैं मिलने नहीं जा सकी पर इसने तो कपड़ा भी पहना है. दिस इज सो क्यूट दिस रेड वन. या आवाज ही पता चलनी चाहिए ना, पर वो जो बोलते हैं. मार्केट में घुसे वो ऑलमोस्ट सब सेम सेम ही है. सोविनर शॉप्स ही मिल रहे हैं, आई मीन मिल रहे हैं और अंदर सोविनर ही है. तो यहाँ पे ना हम टॉयज के क्या कहते हैं स्टॉल पे आए हुए हैं और यहाँ पे एक टॉय है वो इतना रियलिस्टिक लग रहा है. मैं आपको तो हमारा यहाँ से शॉपिंग हो गया है और अब हम जा रहे हैं वही DFO मॉल होपफुली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे पुरानी पुरानी सी है. और ये किसको लेके घूम रही है तो अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे प्राइस जितना है उतने थोड़े सस्ते में तो वो DFO में मिल जाएगा और वो भी ब्रांडेड. तो देखते हैं क्या पसंद आता है. तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने ट्रैम पकड़ा था. यहाँ का ट्रैवलिंग कितना कन्वीनियंट है, मतलब ट्रैम फ्री है जो रोड पे चलती है और आप कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेशन पे इसका एक्सेस है कि आप फ्री जा सकते हो. और फॉरेन कंट्रीज़ की धूप भी कितनी अलग हिट करती, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आती है. बताओ दोपहर के 2 बजे गोल्डन आवर वाला फीलिंग आ रहा है. तो अब हम जा रहे हैं DFO और सामने वो ब्रिज है जहाँ पे सलाम नमस्ते का शूटिंग हुआ था. और मुझे बॉलीवुड इतना पसंद है ना कि जहाँ जहाँ शूटिंग हुई ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. तो मैं आपको भी दिखाती हूँ.
अभी हम उसी ब्रिज पे हैं जहाँ पे शूटिंग हुई थी, और मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बस एक रील टाइप की वीडियो बना ली है। और पता नहीं यार, मुझे इतना खुशी होता है ना, क्योंकि मैं जब लंदन में गई थी ना, तो मेरा नमस्ते लंदन वाला जो ब्रिज था उससे सिमिलर ब्रिज था, बट वो ब्रिज पे मैं नहीं जा पाई थी, बट मैंने सेम पोस्ट से वो रील स्टोरी शूट कह रही हूँ स्टोरी बनाई थी मैंने। और आई एम जस्ट सो हैप्पी, मतलब वो होता है ना, मेरी बॉलीवुड ड्रीम कम्प्लीट हो जाती है। और यहाँ पे मेरे साथ मृणमी भी शूट कर रही है सॉन्ग रील के लिए। तो मैंने यहाँ से दो टॉप लिया हुआ है, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा ज़्यादा जाने का, मुझे बहुत डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं बैठ गई हूँ, और फिर बिलिंग करा के हम निकल जाएंगे कुछ पी के, मोस्टली क्योंकि टी कॉफ़ी, मतलब आइस टी कॉफ़ी ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ ठंडा ठंडा पी। तो अभी हम बैठे हैं कुछ पीने के लिए, मैंने आइस चॉकलेट लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी और डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो अभी इन दोनों ने भी वही लिया है आइस चॉकलेट। और तो हम गेस्ट गए, गेस्ट से हमने एक स्लिंग बैग लिया क्योंकि वहाँ पे सेल चल रही थी और वो इंडियन प्राइस के हिसाब से काफ़ी कम में मिल रहा था। फिर हम गए माइकल कॉर्स, पर अभी माइकल कॉर्स से ख़रीदने वाली सैलरी नहीं आ रही है, हम सेव करेंगे और मे बी नेक्स्ट ईयर उसको, या फिर कुछ महीने बाद सेव करके ख़रीद सकते हैं वैसा, बट अभी उसकी नीड नहीं है फिलहाल। और अब हम जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम अब? अच्छा हाँ, हो गया बेसिकली हमारा, हो गया शॉपिंग और शॉप्स देख कर, तो अब हम जा रहे हैं होटल। कैसा था मृणमी आज का डे? इट वॉज अ गुड डे, बट इट वॉज अ सनी डे एज़ वेल। हम इतने डिहाइड्रेट और ऐसे लग रहे हैं ना, क्या बन के गए थे क्या बन गए हैं वैसा, और इतना टैनिंग लग रहा है मुझे मेरा हाथ। मेरा बहुत ही गलत डिसीजन था जैकेट नहीं लेने का, जैकेट ले लेना चाहिए था, तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती। तो मैं होटल आ गई हूँ और बस अब आज का दिन है, और फिर कल दोपहर तक का टाइम है, तो अभी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, तो खा के सो जाऊँगी और फिर कल सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर सो जाएंगे और फिर रेडी होकर निकल जाएंगे फ़्लाइट के लिए। कल भी रात की फ़्लाइट है, मतलब ऑल नाइट, फिर नींद नहीं मिलने वाली है। और मैंने आपको, मैं बता दूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। तो आई लव स्लिंग बैग्स, बट मैं कभी इतना इन्वेस्ट नहीं करती उनमें, और कभी मतलब पहले इतना अर्न भी नहीं करती थी, और अर्न करती भी थी तो फिर ऐसे सोचती थी कि इतना महंगा लेके क्या मतलब है, ऑल ऑफ दैट। बट मुझे ये ब्रांड बहुत टाइम से चाहिए था, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, और काफ़ी ऑफ भी था, 40% ऑफ था, तो इंडिया के प्राइस के हिसाब से काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो ये मैंने खुद के लिए लिया है गैस का स्लिंग बैग, एक सेकेंड ना, लाइक दिस दिख रहा। सो दिस इज द बैग आई बॉट, और फिर मैंने लिया, फिर तो सोविनर्स लिए हुए हैं, मतलब हाँ, ये है मेलबर्न का फ्रिज मैग्नेट। और मैं सिडनी जब गई थी तो मैंने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया था, तो मैंने सोचा यहाँ से ही ले लेती हूँ, तो ये सिडनी का है, और यहाँ का स्पेशल एनिमल एक ये है कंगारू, और एक कोआला बियर, तो ये दोनों लिए मैंने, बस दैट्स इट। तो अगर ये ब्लॉग कंटिन्यू होता है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर ये ब्लॉग को हम एंड